हेलो दोस्तों, आज हम कोल्ड कोको बनाने जा रहे हैं। ये सूरत की बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। एक पैन में 300 ml जितना दूध ले लेना है। इसमें से हम कुछ बचा के रख देंगे। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं तो बच्चे हमेशा कुछ ठंडा मांगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब एक बोल में मैंने 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डाला है, साथ ही हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देंगे और जो दूध हमने बचा के रखा था वो इसमें डाल देना है। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अब दूध में एक उबाल आने देना है। उसके बाद हम इसमें 5 टेबलस्पून जितना शक्कर डाल देंगे। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये कोको पाउडर का है, मैंने वही टेबलस्पून यूज़ किया है। अब शक्कर को पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद हमने जो कोको पाउडर का मिक्सचर रेडी कर लिया था वो इसके अंदर डाल देना है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। 1/4 कप चॉप चॉकलेट डाल दी है और इसे लगातार हिलाते रहेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी घटकर आधी ना हो जाए और ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाए। अब ये परफेक्ट बन चुका है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। मिक्सी जार में 3 से 4 आइस क्यूब्स ले लेने हैं, साथ ही जो कोको का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। चॉकलेट सिरप को ग्लास पर दिखाए गए तरीके से डाल देना है ताकि एक रैंडम सी डिज़ाइन इस पे बन जाए। अब इसमें हम डालेंगे आइस। बर्फ़ को मैंने कपड़े पे रख दिया था और बेलन से इसे कूट लिया था और ये आइस बन के तैयार है। आइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कोको। वाओ, ये कितना यमी दिख रहा है दोस्तों। गार्निश कर लेंगे डार्क चॉकलेट से। आपको जो चॉकलेट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और हमारा यमी कोल्ड कोको बनके तैयार है दोस्तों। गर्मियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।